दोस्तों, क्या आपको पीठ में दर्द होता है और दर्द इतनी ज़्यादा जोर से होने लगता है कि आपको वोमिटिंग होने लगती है और आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं? तो घबराइए मत, ये आपको रीनल स्टोन के संकेत हो सकते हैं, आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको पथरी के बारे में बताऊंगा, जिसे आम भाषा में किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी या रेनल स्टोन के बारे में जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप कैसे रेनल स्टोन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको लाइफ प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे मैंने बहुत ही कम दिनों में रेनल स्टोन को पूरी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ख़त्म कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको रेनल स्टोन्स के बारे में जानकारी मिल सके और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के भी जानकारी मिल सके। और इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी स्टोन या गुर्दे की जो पथरी होती है वो क्या होती है। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो डाइजेशन होने के बाद कुछ चीज़ें होती है जो वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे किडनी में के थ्रू होते हुए वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनरल्स वगैरह या टॉक्सिन्स, जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो बाहर ना निकल के किडनी रीजन में कहीं पे थोड़े थोड़े जमा होने लगते हैं और वो क्रिस्टल बनने लगते हैं। इसी को रीनल स्टोन कहा जाता है या गुर्दे की पथरी कहा जाता है। दोस्तों, ये रीनल स्टोन किडनी के किसी भी भाग में हो सकता है या आपको पेशाब के रास्ते यानी कि यूरेटर में भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारणों की अगर हम बात करें तो रीनल स्टोन के जो कारण होते हैं उसमें सबसे अहम होता है कि जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं दिन भर में, उन्हें ये किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, उन्हें भी ये होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग रेड मीट या नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, ज़्यादातर नॉन वेज का यूज करते हैं, पानी कम पीते हैं, उन लोगों को भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है उन्हें भी ये होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों को भी रेनल स्टोन या किडनी स्टोन होने के चांसेस बनते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपके जो किडनी रीजन है, आपके जांग के नज़दीक पेट में बहुत ही जोर का दर्द होता है। दर्द इतनी ज़्यादा जोर का होता है कि आप उसे सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशंस में आपको कमर में भी दर्द होता है और यूरिन पास करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, यूरिन पास नहीं हो पाती है। यूरिन पास करने के समय में आपको दर्द होता है, उस कंडीशंस में आपको नौजिया आएगी, उल्टी के जैसा होगा और होते होते आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। वोमिटिंग दो बार तीन बार भी हो जाती है, और जब आपको दर्द होता है तो आप बेड पे इधर से उधर करवट बदलने लगते हो, इतनी ज़्यादा दर्द होती है। तो ये मेन
सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावे आपको यूरिन पास करने के समय आपको जलन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। आप बार बार यूरिन करने जाते हो, आपको फिर भी लगता है कि आपके यूरेटर में पेशाब भरा हुआ है, लेकिन आपको पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता है। जब ये कंडीशंस होती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है या KUB एक्सरे करवाया जाता है, जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको रेनल स्टोन या पथरी हो गया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ जिसे मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा पूरी तरह से रेनल स्टोन या गुर्दे की पथरी को पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बहुत ही कम दिनों में ये प्रॉब्लम ठीक हो गया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ जिसको लेने से आपको अगर किडनी का स्टोन है तो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें आती है वो है बर्बेरिश वल्गेरिस, मदर पिंचर फॉर्म में आपको लेना है। दोस्तों, इसमें सिम्टम्स ये देखने को मिलता है कि अगर आपको किडनी का स्टोन हो गया है तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय होगी, कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, यूरिन पास करने के समय में भी दर्द हो सकता है, उसमें जलन भी हो सकता है, या आप बूंद बूंद करके भी पेशाब आपको अगर होता है, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, इसे आप 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम आपको लेना है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से आपको कब्जियत की प्रॉब्लम हो रही है और आपको ओबेसिटी भी हो रही है, आपका फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशंस में आप लाइकोपोडियम 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में 5 बूंद आपको लेनी है। इसके अलावे एक और दवा आती है क्लियर स्टोन, SBL कंपनी की आती है क्लियर स्टोन। दोस्तों, ये भी आपको किडनी स्टोन रिमूव करने में काफ़ी लाभकारी औषधि मानी जाए। दोस्तों, इसे भी आप 20 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों दवा को आपको एक साथ यूज करना है और आपके जो भी स्टोन है, जितने भी MM के स्टोन है, ये पूरी तरह से टूट टूट कर यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स है और आप बहुत लंबे समय से दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं या घर बैठे बैठे दवा भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।